तो जिस किसी ने भी इस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करी तो उसकी वीडियो वायरल हुई 7.2 मिलियन व्यूज। उसी तरह दोस्तों यूट्यूब पर जब आप कीवर्ड को सर्च करोगे तो यहाँ पर देखोगे 7.4 मिलियन व्यूज, 11 मिलियन, 2.6 मिलियन, 5 लाख, 7.2 मिलियन जो आपको अभी दिखाई थी। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर एक और चैनल है सुवो टेक ब्रेन के नाम से, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो क्रिएट करने के बाद वीडियो वायरल होती है 1 मिलियन व्यूज 10 मंथ पुरानी, 2.6 मिलियन व्यूज और ना ही वॉइस ओवर है ना ही दोस्तों आपका फेस कैम है। और मैं आपको सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में और ये सारी की सारी लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा जो कि वायरल टॉपिक की लिस्ट है। और दोस्तों वायरल आपके वीडियो ज्यादा से ज्यादा चांस होंगे इस टॉपिक पर अगर क्रिएट करते हो, जो लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं मिलियनों में व्यूज है, कौन सा टॉपिक है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और इसलिए दोस्तों हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे दोस्तों आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो ऑनलाइन अर्निंग करने के। तो चलिए दोस्तों वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों इस चैनल का नाम साइक फैक्ट्स है, 1,35,000 सब्सक्राइबर है, जिसमें कि अगर आप बात करें तो ये कहाँ का चैनल है, इंडिया का चैनल है। और वीडियो में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर किस टाइप की कंटेंट है, सारा इंग्लिश कंटेंट है और ज्यादा पुराना चैनल नहीं है, 9 महीने पुराना चैनल है। और जिसमें कि दोस्तों मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है, कैसे इस पर काम करना है, जो कि दोस्तों आपको रिजल्ट फास्ट मिले। यहाँ पर देखिए ये 9 महीने पुराना चैनल है और इसके व्यूज भी ठीक ठाक आ रहे हैं, 3 लाख व्यूज, 81,000 व्यूज, 25K व्यूज, 1 लाख व्यूज। तो दोस्तों यहाँ पर इस टाइप का कॉन्टेंट जो क्रिएट कर गया वो आप इजिली क्रिएट कर सकते हो बिना वॉइस ओवर करे, बिना फेस दिखाए। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और जो इस टाइप का कंटेंट है जैसा कि आपको मैंने दिखाया था यहाँ पर शुरुआत में, इस टाइप के कंटेंट पे 7.2 मिलियन व्यूज आए हैं जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब आप सर्च करोगे 7.4 मिलियन 11 मिलियन काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो इस टाइप का भी कंटेंट कैसे आपने क्रिएट करना है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप इनका फायदा कैसे उठाओगे तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरी देखनी है। और दोस्तों ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वायरल टॉपिक की लिस्ट है जिन पर अगर आप वीडियो क्रिएट करते हो तो आपको जरूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कुछ ये टॉपिक्स हैं जो दोस्तों आपको कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी, आप इन पर अनलिमिटेड कंटेंट बना सकते हो। तो ये आपको कैसे मिलेगी इसे भी जानने के लिए वीडियो को आपने पूरी एंड तक देखना है और लाइक करना है इस वीडियो को। और पूरी एंड तक इसलिए देखना है दोस्तों आपको कुछ इस वीडियो में नया जानने को मिलेगा, तो इसलिए चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर देखिए एक और चैनल है जैसा कि मैं आपको बताया था, यहाँ पर ये वाला चैनल काफी ज्यादा अपने व्यूज गेन करे हैं, 2.6 मिलियन 1 मिलियन बिना वॉइस ओवर किए दोस्तों ये वाला चैनल अच्छे से अपने व्यूज गेन किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं खुद भी 2.6 मिलियन 1 मिलियन। तो ये कौन सा टॉपिक है जिसपे की दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी इस वाली लिस्ट में प्रोवाइड कराया है कौन सा टॉपिक है, तो वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी क्रिएट करते हो तो व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और इस वाले चैनल ने भी अच्छे खासे व्यूज यहीं से गेन करे हैं जो कि दोस्तों 96K और यहाँ पर 2 लाख व्यूज। तो चलिए दोस्तों अब बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसपे मैं आपको पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको हमारे चैनल के अंदर भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बताता हूँ आपने क्रिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इस टाइप के कंटेंट में आप जो क्रिएट करने वाले हैं वो है साइकोलॉजी क्योर, साइकोलॉजी स्टोरी, साइकोलॉजी फैक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप यहाँ पर काम करोगे वो साइकोलॉजी क्योर्स, यानी कि साइकोलॉजी आपका मेन कीवर्ड है, साइकोलॉजी को आपने फोकस करना है, हर चीज आपने साइकोलॉजी से रिलेटेड अपने चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने इस टाइप का कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, अगर आपने इसे समझ लिया तो दोस्तों आप कोई सा भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों ये सारे चैनल बना रहे हैं ऐसे कंटेंट को क्रिएट कर अर्निंग, तो मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपने नए वॉइस ओवर करनी है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर इसे कॉपी करना होगा इसके टाइटल को। तो इसके टाइटल को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने गूगल में चले जाना है, सिंपल गूगल में जाने के बाद आपने यहाँ पर इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपने नीचे स्क्रॉल करना है और आपने कोई ऐसी वेबसाइट देखनी है जिस पर आपको सही सा आर्टिकल मिल जाए। जैसे कि दोस्तों ये वाली एक साइट है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से देखता हूँ कैसा कंटेंट मुझे मिलता है देखने को। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक इमेज देखने को मिलती है सबसे पहले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लोयन जेब्रा। अगर आपको सबसे पहले क्या दिखा इस इमेज में, अगर आपको लोयन दिखा तो आप यहाँ पर साइकोलॉजी के हिसाब से कैसे सोचते हैं कैसे हैं, जेब्रा दिखा तो आप साइकोलॉजी के हिसाब से कैसे हैं कैसा आप सोचते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसकी वीडियो क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक और चीज का दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये चैनल है स्टोरीज का, अगर दोस्तों आप स्टोरीज भी बताना चाहोगे तो आप इसमें बता सकते हो इस टाइप के कॉन्टेंट पे अगर चैनल बनाते हो तो आप स्टोरीज के कितना फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर देखिए 4.5 मिलियन, 4.5, 3.3, 3.3, 2.9, 2.7, 2.7 मिलियनों में लाखों में व्यूज हैं दोस्तों इन वाले कंटेंट पर। तो यहाँ पर इनका इसलिए फायदा आप उठा सकते हो। अब उसी तरह दोस्तों यहाँ पर अगर आपको आर्टिकल में जाकर अपनी वीडियो क्रिएट करनी है तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में काइन मास्टर का यूज करना होगा। और वीडियो को दोस्तों पूरी एंड तक देखना, काफी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, आपने खुद से कुछ नहीं करना, सिंपल दोस्तों सारा का सारा काम आप अपने हाथों से करोगे बस।
तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ये वाला जो फैक्ट है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको एक बार इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हो तो दोस्तों आपने अपने काइनमास्टर का यूज करना है, पीसी का यूज कर रहे हो तो आपने अपने फिल्मोरा का यूज करना है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये इमेज को डाउनलोड कर लेना है अपने यहाँ पर ब्राउजर में जाकर। जैसे कि दोस्तों ये वाली इमेज है, तो यहाँ पर आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा जैसा कि मैं आपको बता दूं। तो सिंपल आपने राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पर सेव एज़ के बटन पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, जैसे मैंने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं इसे प्ले करता हूँ, तो कम से कम दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2 सेकंड आपने रखनी है और इससे ज्यादा नहीं रखनी है, तो आपका रिटेंशन बना रहेगा। अब 2 सेकंड रखने के बाद दोस्तों अब मैं इसे आगे प्ले करता हूँ, जैसा कि प्रीव्यू आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको क्रिएट कर भी बताऊंगा आगे का प्रोसेस, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्रिएट करा है। देखिए आप व्हाट डिड यू सी फर्स्ट इफ यू सॉ अ ज़ेब्रा देन यू वर एन एक्सट्रोवर्ट समवन हु लव्स मीटिंग एंड टॉकिंग टू न्यू पीपल पार्टीइंग एंड डूइंग न्यू थिंग्स यू डोंट लाइक फॉलोइंग द सेम रूटीन एज इट इजंट योर स्टाइल। और आपने यहाँ पर इस टाइप के कंटेंट के चैनल काफी ज्यादा देखे होंगे, जैसे कि आप ये वॉइस देख रहे थे। यहाँ पर मैंने खुद से नहीं वॉइस करी है, सारा काम दोस्तों यहाँ पर हाथों से आप करोगे तो, और आपके पास मोबाइल फोन है तो भी आप इससे कर सकते हो। सिंपल मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले एक बैकग्राउंड यहाँ पर वीडियो ले लेनी है, जैसे कि दोस्तों मैंने ये ऑलरेडी लिया है। आप एक ही टाइप की वीडियो चला सकते हो या आप यहाँ पर अलग अलग टाइप की वीडियो चला सकते हो। अब ये वीडियो आपको कहाँ से मिलेगी वो आप जान लो, तो उसके लिए दोस्तों आपने चले जाना है pixabay.com वाली वेबसाइट पर। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो इंस्पायर साइकोलॉजी, जो भी आपको अपने हिसाब से लगे कि आपको ये बैकग्राउंड चाहिए, तो आपने वो बैकग्राउंड के हिसाब से अपने यहाँ पर वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसे डाउनलोड कर सकते हो, इसे कर सकते हो। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये वाली वीडियो को डाउनलोड किया था, तो मैं लेकर आ चुका हूँ। चलिए मैं अब आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो सिंपल दोस्तों आप यहाँ से स्टार्टिंग करनी है वीडियो क्रिएट करते वक्त। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिएगा क्या, तो आपको अपने पहले उस आर्टिकल में चले जाना है जहाँ से आप इस वीडियो को क्रिएट करने वाले हो। तो अब जैसे कि दोस्तों मैं इस वाले पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पर जो आपको अभी दिखाई थी, तो अब यहाँ पर हम इस वाले साइकोलॉजी फैक्ट पर बनाकर दिखाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों सिंपल दोस्तों आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने जाना है अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपने टाइटल को चूज करना है, यहाँ से लेकर आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपने कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी करने के बाद दोस्तों ओके कर देना है। कंट्रोल वी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से अपने ब्राउजर में जाना है और एक वेबसाइट पर चले जाना है जिसका नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए क्या करना है। सिंपल दोस्तों आपने जो यहाँ पर पेस्ट किया था वही यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने वॉइस में ये वाले को सेलेक्ट कर लेना है, जॉय मेल। तो दोस्तों उसके बाद आपने कन्वर्ट टू MP3 पर सेलेक्ट करके यहाँ पर इसकी जो वॉइस ओवर है वो आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो सिंपल 3 डॉट पर क्लिक करना है, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो फिर से जाएंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद आपने सेलेक्ट करनी है, अपने कंप्यूटर से लेकर आनी है। तो यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा। और दोस्तों आप ये कंटेंट बिल्कुल फ्री में बना सकते हो, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है इस टाइप के कंटेंट में। और अगर आपने पहले दिन से अर्निंग बनानी है तो उसका भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सिंपल दोस्तों इस वॉइस को हम टाइमलाइन में लेकर आएंगे। अब हम जो है अपने टेक्स्ट को अपनी ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका टेक्स्ट होता है खत्म, तो कुछ इस तरीके से बनता है। अब फिर से क्या करना है, हमें फिर से अपने ब्राउजर में जाना है। अब देखिए दोस्तों हमें एक इमेज चाहिएगी, जैसे कि ये इमेज है, तो सिंपल इस इमेज को हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर से जाएंगे अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों डाउनलोड पर जाएंगे, यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से हमें यहाँ पर लेकर आनी है। 2 सेकंड के लिए आपको लगानी है यहाँ पर ये इमेज को अपने इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि दोस्तों फिर से मैं इस वाली इमेज को यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 2 सेकंड हो गए, तो 2 सेकंड के बाद इसे हम कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे भी हटाएंगे और उसके बाद दोस्तों इस इमेज को हम एडजस्ट कर देंगे अच्छे से अपने वीडियो के हिसाब से। तो जिस बंदे को भी सबसे पहले बच्चा दिखा या इसकी लड़का लड़की दिखी, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया ऑलरेडी इसी आर्टिकल में। तो सिंपल दोस्तों आपको फिर से आर्टिकल में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इफ यू सो अ बेबी, तो दोस्तों उसका यहाँ पर साइकोलॉजी यहाँ पर ये बताई गई है। इफ यू सो अ कपल, तो दोस्तों ये बताई गई है। अगर आपको यहाँ पर इफ यू सो अ ट्री, तो आपको ये वाली साइकोलॉजी बताई है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको बनानी होती है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कैसे आपने बनानी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले दोस्तों एक गलती हो गई, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जैसे आप ये बना लो, तो आपने सबसे पहले इमेज लानी है। जैसे आप एक साइकोलॉजी का फैक्ट बता देते हो, जैसा कि हमारा यहाँ पर ये खत्म हो चुका था ये वाला, जैसा कि लोयन वाला और जैब्रा वाला था, तो उसके बाद तुरंत आपको इमेज ही लगानी है। डायरेक्ट इमेज ऐसे लगाने के बाद दोस्तों फिर आप यहां पर ये वाला टेक्स्ट ऐड करोगे, जो कि दोस्तों आपका क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। नंबर 2, व्हाट डिड यू सी?
तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको बनाया है। तो यहाँ पर देखिए आपने जो ये टाइटल है उसे एक तो डार्क कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर, जिससे कि हमें देखने में प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर इसे टेक्स्ट को लगा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। व्हाट डिड यू सी फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने इमेज दिखाई, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि आपको सबसे पहले क्या दिखा। तो यहाँ पर हमने वॉइस ओवर भी कर दिया, जो कि दोस्तों हमने नहीं करी है, सारी वेबसाइट ने करी है। और दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिएगा, वो कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर से आपने उसी वाली वेबसाइट पर जाना है, इस वाले को टाइटल को कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करने के बाद फिर से उस वाली वेबसाइट में जाना है, यहाँ पर आपने कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देना है, कन्वर्ट टू MP3 पर क्लिक करके यहाँ पर आपकी कन्वर्ट मिल जाएगी ऑडियो। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, फिर से जाना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इसे ओके करके यहाँ से फिर से एक और टाइटल चाहिएगा, यहाँ पर फिर से इसे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के बाद डबल क्लिक करना है, यहाँ पर आपने कंट्रोल वी कर देना है, और कंट्रोल वी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ कर लेनी है, इसका टाइटल को डार्क, तो उसके बाद फिर से ओके कर देनी है। और फिर मीडिया में जाना है, मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपने फिर से ऑडियो जो आपने यहाँ पर डाउनलोड करी थी वो लेकर आनी है, उसे यहाँ पर लेकर आने के बाद दोस्तों अपने टाइमलाइन में लेकर आ जानी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर देंगे जैसे कि अपने ऑडियो के हिसाब से, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनी। अब यहाँ पर देखिए आपको अगला स्टेप भी उसी में से करना है, जो कि दोस्तों आपकी वही वेबसाइट करेगी। अगर बेबी दिखा है तो उसका यहाँ पर साइकोलॉजी है, तो यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर से उस वाली वेबसाइट में जाएंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देंगे, कन्वर्ट टू MP3 पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, तीन डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे ऑडियो को। उसके बाद फिर से हमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाना है, टाइटल में जाना है, टाइटल यहाँ पर फिर से लेकर आएंगे, टाइटल को हम यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे डबल, और यहाँ पर हमने कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसे अच्छे से एडजस्ट कर देनी है, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। उसके बाद डार्क करेंगे, उसके बाद इसका एनिमेशन देंगे इरेज वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी ऑडियो चाहिएगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से कंप्यूटर से लेकर आएंगे उस ऑडियो को, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो इम्पोर्ट होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं, जो भी दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखे तो वो यहाँ पर कमेंट करके मुझे जरूर बताना, तो यहाँ पर उस बंदे के लिए मैं और भी काफी सारा कंटेंट लेकर आऊंगा जो भी यहाँ पर इस वीडियो को पूरी देखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे काफी सारे कंटेंट है जिस पर काफी लोग ऐसे ही वर्क करके यहाँ पर अर्निंग बना रहे हैं बिना यहाँ पर ज्यादा मेहनत करे, जैसे कि दोस्तों यहाँ इसे इसके हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ अब। For your own company more so than others and don't exactly feel like going out too often. You shouldn't feel guilty for who you are. जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने इसका आंसर दे दिया है, जैसे कि यहाँ पर जिसे भी बेबी दिखा है तो उसकी साइकोलॉजी यहाँ पर ये है या उसके बारे में मैंने यहाँ पर ये बताया है, तो कुछ इस तरीके से फिर से दोस्तों अब यहाँ पर आपको फिर से आर्टिकल में जाना है। आर्टिकल में जाने के बाद यहाँ पर इफ यू सो अ कपल, तो दोस्तों इसे भी कॉपी करना है। फिर से दोस्तों यही आपने सेम प्रोसेस हर जगह करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। अब मैं ज्यादा आपको कर दिखाने लगा तो काफी ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, और मैं आपको दिखा देता हूँ कितने मिनट की आप वीडियो बना सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है 4 मिनट की वीडियो बना सकते हो, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, यहाँ पर इस बंदे ने इतने मिनट की वीडियो बनाई है, 4 मिनट 44 सेकंड की, और यहाँ पर आप देख सकते हो व्यूज भी अच्छे खाते हैं। तो 4 मिनट का आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हो, इतनी देर की वीडियो बनाकर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अब अपलोड कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पर एक और चीज जान लो कि आपको यहाँ पर अगर इस टाइप के कॉन्टेंट पर वीडियो बनानी है, जैसे कि साइकोलॉजी फैक्ट ऑफ स्टडी अबाउट स्टडी लाइफ ह्यूमन बिहेवियर, और सबसे ज्यादा वायरल होने वाला टॉपिक यही है ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड साइकोलॉजी फैक्ट, इसके बारे में काफी ज्यादा लोग सर्च करते हैं, जैसे कि इस वाले चैनल ने भी दोस्तों इस वाले टॉपिक पर ही सबसे ज्यादा वीडियो क्रिएट करी। जैसे कि देखिए साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जैसा कि आप ये सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा वायरल हुई है और इसी टॉपिक पर बनाई गई है। तो आप ये सारे जो भी टॉपिक देख रहे हैं वो वही वायरल टॉपिक है, जो दोस्तों आप बनाओगे तो वीडियो ज्यादा चांस रहेंगे वायरल हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो क्रिएट करनी है तो क्या करोगे आप। अब जैसे कि दोस्तों साइकोलॉजी फैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अब आप इसी टॉपिक को ले लीजिए, आपने इसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद गूगल में जाकर इसे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने काफी सारे जो है फैक्ट आ जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं 25 आपके सामने फन फैक्ट आ चुके हैं ह्यूमन बिहेवियर, 100 फैक्ट आ चुके हैं साइकोलॉजी फैक्ट जो कि ह्यूमन बिहेवियर के हैं। तो आपको यहां पर काफी सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा, बस आपने एक एक लाइन लेनी है। अगर आपको यहां पर नहीं मिलता किसी वेबसाइट के आर्टिकल में, तो दोस्तों आप यहां पर एक और कीवर्ड को सर्च कर सकते हो, क्योट्स। तो जैसे ही आप ये कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च करोगे, तो यहाँ पर आपने इमेज में चले जाना है। इमेज में जाने के बाद
आपके सामने काफी सारी इमेज आ जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इन्हें टाइप करके वहां पर लगा सकते हो और इनका वॉइस ओवर वहां से कर सकते हो। जिस वेबसाइट का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, इस वाली वेबसाइट का नाम है freetts.com। तो दोस्तों इस वाली वेबसाइट पर जाकर सिंपल आपने टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करना होता है। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद आपने कन्वर्ट टू MP3 पर करके यहाँ पर जैसे मैंने आपको करके दिखाया वो आपको यहाँ पर प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। वीडियो क्रिएट करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है और इस टाइप का कंटेंट को आप मोनेटाइज भी कर सकते हो। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर काफी सारे चैनल ऐसे ही थे जो बिना वॉइस ओवर के और बिना यहाँ पर जैसे मैंने किया उसके बिना भी दोस्तों यहाँ पर इस टाइप का कंटेंट को क्रिएट करके व्यूज भी अच्छे खासे ले रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, ये वाली वीडियो है फैक्ट वर्ल्ड के नाम से, 193,000 इसके सब्सक्राइबर है। तो इस बंदे ने यहाँ पर बताया, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बॉय, तो साइकोलॉजी फैक्ट यहाँ पर बताया, पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे काफी सारे पार्ट हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी वीडियो मैं प्ले करता हूँ, देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक यहाँ पर बैकग्राउंड में यहाँ पर इमेज है और यहाँ पर एक टेक्स्ट है और सिंपल एक बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। तो किस इस टाइप के कंटेंट पे यहाँ पर इस बंदे ने क्रिएट करा, तो इसके 4,00,000 व्यूज। ऐसे ही दोस्तों काफी अच्छे खासे व्यूज हैं इस वाले चैनल के भी, और यहाँ पर आप भी क्रिएट ऐसा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ज्यादा बेटर रहेगा कि आप वॉइस ओवर कर लें वो वाली वेबसाइट से जो मैंने आपको अभी बताया था। और दोस्तों आपको बताऊं कैसे आपने म्यूजिक को लेना है, तो यहाँ पर आपने सिंपल ऑडियो लाइब्रेरी सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको सर्च कर दिखाता हूँ, तो जैसे आप ये ऑडियो लाइब्रेरी सर्च करोगे तो आपके सामने काफी सारे जो हैं बैकग्राउंड के लिए म्यूजिक आ जाएंगे नॉन कॉपीराइट। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके सिंपल लगा सकते हो अपनी उन वीडियोस में जो दोस्तों आपके साइकोलॉजी फैक्ट से रिलेटेड है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो कॉन्टेंट रहेगा चैनल का वो साइकोलॉजी से रिलेटेड ही होना चाहिए, साइकोलॉजी की ओर, साइकोलॉजी स्टोरी, साइकोलॉजी फैक्ट। आप इन तीन टाइप का कॉन्टेंट को अपलोड कर सकते हो अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जो भी दोस्तों अगर इंटरेस्टेड है और जो बनाना चाहते हैं इस टाइप का कॉन्टेंट को। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अब यहाँ पर कैसे आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने का सबसे ज्यादा मेन रीजन है जो कि दोस्तों काफी लोग जानना चाहोगे, तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल दोस्तों आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है, अपलोड वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर से। अब दोस्तों जैसे कि आपने अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपका टाइटल जो है यानी कि टॉपिक जो है वो आपको डिसाइड होना चाहिए जो टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाले टॉपिक पर वीडियो बनाई है, पर्सनालिटी टेस्ट, व्हाट डू यू सी फर्स्ट एंड व्हाट इट रिवील अबाउट यू। तो सिंपल इसे ही हम कॉपी कर लेंगे। तो इस टॉपिक पर हमने बनाई है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा वीडियो वायरल होती है। तो सिंपल दोस्तों हम उस वाले चैनल पर जाएंगे, सबसे पहले उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट करी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपने कम से कम 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो क्रिएट कर लेनी है। अब यहाँ पर उस वीडियो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने ये वीडियो को अपलोडिंग करना शुरू कर दिया, उसके बाद दोस्तों सिंपल आपने जो है यहाँ पर अपना टाइटल देना है। जैसे कि हमारा ये वीडियो का टाइटल यही था कि हमने यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट की है इस वाली वीडियो के थ्रू, जो कि दोस्तों इमेज दिखाएंगे उसके बाद पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होगी आपकी। तो उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या देखा और क्या रिवील करना है यहाँ पर, अब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कुल मिला के। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका टाइटल आप यही दे सकते हैं, और एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप अपने चैनल का नाम दे सकते हैं या आप यहाँ पर साइकोलॉजी फैक्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। अब बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ से आपको मिलेगा, और मैं आपको एक बार लगाकर भी दिखा देता हूँ कैसे आपने लगाना है। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बैकग्राउंड म्यूजिक लग चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लेना है अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे, ये मुझे बेकार लगा लेकिन दोस्तों आपने अपने हिसाब से लगा लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमने टाइटल भी दे दिया है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या रखना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के लिए आपने कुछ इस तरीके से फिल करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ और आपको फिल करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको ये कीवर्ड जो आप देख रहे हैं ये कहाँ से मिलेंगे, जैसे कि इस बंदे ने लगाए हैं, और व्यूज भी आप देख लीजिए 7.2 मिलियन व्यूज हैं अगर इस टाइप के कॉन्टेंट पे आप करते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो व्हाट यू सी फर्स्ट, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये टैग है, तो इसके टैग आपने कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे सबसे पहले। इसे कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने एक मिनट के लिए गूगल में चले जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर एक सर्च करना है रैपिड टैग। तो जैसे ही दोस्तों आप ये कीवर्ड को सर्च करोगे तो आपके सामने एक पहली वेबसाइट आएगी, सिंपल दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल दोस्तों इस टाइप के कंटेंट अगर जिसके पास भी जाता है तो वो क्लिक करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये कुछ इस टाइप की वीडियो ही होती है कि हर कोई यहाँ पर क्लिक करके देख ही लेता है। तो कुछ इस टाइप से देखिए यहाँ पर आपको टैग मिल जाएंगे, सिंपल हमने इसे कॉपी कर लेंगे एक क्लिक करके, और सिंपल दोस्तों हमने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टैग में फिल कर देना है, और आपको अपने चैनल का नाम भी जरूर से जरूर लगाना है जिससे आपके चैनल की रैंकिंग बढ़ सके। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी टैग लगाने होंगे, उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर फिर से गूगल में जाना है, कीवर्ड आपको यहाँ पर सर्च करना है, कीवर्ड टूल्स
zebra.io। तो दोस्तों ये कीवर्ड आप जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आएगी, तो आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल YouTube को सेलेक्ट कर लेना है। अब YouTube को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर सिंपल सबसे पहले दो कीवर्ड को सर्च करके देखना है कि आपको जो भी सही लगे कि आपके यहाँ पर वीडियो रैंक करने में या इस टाइप के कंटेंट की टारगेटेड ऑडियंस को आप टारगेट कर सकें, तो वो कीवर्ड को आप सर्च करके यहाँ पर जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर यूट्यूब हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले यही वाला कीवर्ड को हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारा ये वाला कीवर्ड था, What do you see first? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये कीवर्ड था। तो सिंपल दोस्तों हमें यहाँ पर कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देना है और यहाँ पर सर्च कर देना है। अब देखते हैं इस टाइप के कंटेंट पे हमें कौन से कीवर्ड मिलते हैं। अगर हमें वो कीवर्ड अपनी टारगेटेड ऑडियंस से रिलेटेड मिल जाते हैं तो हम उनको टारगेट करने के लिए उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने ये सारे के सारे जो हैं कीवर्ड आ चुके हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों आपने जो जो कीवर्ड आपको सही लगे वो आपने यहाँ पर क्लिक करके ऐड करते चले जाना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमें अभी सही लगे वो हमने कीवर्ड को ले लिया है। उसके बाद दोस्तों सिंपल हमें करना कुछ नहीं है, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा, कॉपी यहाँ पर क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएंगे। और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने अपने डिस्क्रिप्शन में फिल कर देना है, यहाँ पर एक बार एंटर मारना है। तो जैसा कि पहले हम इसे लिख देते हैं, उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिलेटेड वर्ड। तो यहाँ पर जैसे इसे टाइप करूंगा और कंट्रोल वी करूंगा तो मेरे सामने ये सारे के सारे टैग्स जो हैं यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से जाएंगे कीवर्ड प्लानर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर साइकोलॉजी फैक्ट सर्च करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम जो भी कंटेंट बनाएंगे वो साइकोलॉजी फैक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो साइकोलॉजी वाले लोगों के पास ज़्यादा जाए, जो भी लोग इस टाइप के कंटेंट को रिसर्च करके देखना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर करता हूँ साइकोलॉजी फैक्ट, तो यहाँ पर एंटर मारूंगा। तो यहाँ पर एंटर मारने के बाद मेरे सामने और काफ़ी सारे कीवर्ड आ जाएंगे, तो जो भी सही लगेंगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर भी खुद देख सकते हैं, आप चाहे तो एसी बंदे का लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर अपने हिसाब से लगा लेना जो आपको सही लगे। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे कीवर्ड आ चुके हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल जो भी आपको लगे वो आपने यहाँ से अब लेने होंगे। तो यहाँ पर मैं लेकर दिखा देता हूँ, साइकोलॉजी फैक्ट्स स्पोर्ट्स अबाउट गर्ल्स। तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको अपने हिसाब से ले लेने हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सारे कीवर्ड्स। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अब इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आपने कीवर्ड कैसे लेने हैं, कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर फिल करके ले लेना है। अब यहाँ पर आपकी बारी आती है कि आपने थंबनेल बनाना होगा। अब थंबनेल भी दोस्तों कुछ इसी टाइप का आपको क्रिएट करना होगा, जैसा कि यहाँ पर ये वाली इमेज है, उसी तरह दोस्तों आपको ये वाली इमेज मिल जाएंगी इस वाले आर्टिकल के अंदर ही, जैसा कि दोस्तों आप इस वाली इमेज से बना सकते हैं। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसे सेव करूँगा, तो इस वाले इमेज से हमें थंबनेल कैसे बनाना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फिल हो चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपने पहले दिन से ही कमाई करनी है और आपका अगर वीडियो वायरल हो जाती है कोई भी, तो आप यहाँ से पहले दिन से ही अर्निंग कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपने Digistore24 में जाकर कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है साइकोलॉजी रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं अभी आपको करके नहीं दिखाने वाला, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ कैसे आप यहाँ पर अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपने कोई भी अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर को खोल लेना है जिससे आप थंबनेल बनाते हो। फोटो एस्केप एक्सप्रो को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर यूट्यूब का साइज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर बनाना होगा यूट्यूब थंबनेल। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इमेज लेकर आनी है जो आपने अभी डाउनलोड करी थी यहाँ पर थंबनेल बनाने के लिए, जैसा कि मैं यहाँ पर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर थंबनेल को आपने डाउनलोड में जाकर चूज़ करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे अब एडजस्ट कर देंगे अपने हिसाब से, तो कुछ इस तरीके से हमारी ये एडजस्ट होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बैकग्राउंड बैक में क्या देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ कीवर्ड लगाने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपने थंबनेल बना लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना लिया है ऑलरेडी। तो उसके बाद सिंपल सेव पर क्लिक करना है, और सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर अब सिंपल क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ और वहाँ पर लगा दूंगा। अब सिंपल दोस्तों ये सेव करने के बाद आपने चले जाना है अपने YT स्टूडियो के अंदर, और जहाँ पर आप अपलोड कर रहे थे यहाँ पर आपने चले जाना है
और उसके बाद दोस्तों आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको अपलोड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा थंबनेल का, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अभी मैं यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करके दिखाने वाला, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने बना लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने करना क्या है। सिंपल दोस्तों, आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है इसकी प्लेलिस्ट, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। लेकिन उसके बाद दोस्तों आपने ये सारा काम करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने अच्छे से अपना डिस्क्रिप्शन देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में आप लगा सकते हो इन दिस वीडियो अबाउट। उसके बाद दोस्तों आप अपना इस टाइटल को कॉपी करोगे, टाइटल को कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी कर दोगे, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका सारा काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट करोगे, और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपने नो करना है, और नो करने के बाद नेक्स्ट करना है, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट, और ऐसे कर दोस्तों आपने वीडियो क्रिएट करनी होगी। अगर जो भी इस कंटेंट में क्रिएट करके इंटरेस्टेड है अर्निंग करने के लिए, तो यहाँ पर आप मोनेटाइज भी कर सकते हो इसके थ्रू। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आपके लिए और न्यू वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे आप लोग और तरीके से अर्निंग कर सकते हो बिना वॉइस ओवर के, बिना फेस कैम के। तो हो सके तो दोस्तों जो भी चैनल को यहाँ पर पहली बार देख रहा है कैश फ्लो वाले चैनल को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब करना। तो और अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है तो आप लेफ्ट या राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने ही, चलिए दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।